मैं इंस्टाग्राम पे चल कर रहा था और मेरे फीड पे मैंने ये फोटोज देखे। एक फोटोग्राफर ने बहुत खूबसूरती से डॉग से कैंडिड फोटोज दिए थे राइट बिफोर वो एक ट्रीट को कैच करे, एंड आई वॉज फैसिनेटेड क्योंकि मेरे पास भी एक पेट है एंड मुझे भी ये फोटोग्राफी ट्राई करना था। तो मैंने अपना कैमरा लिया और मैं चल पड़ा अपने बिल्ली के पास टू डू दिस फोटोग्राफी। ये है मेरी बिल्ली का फूड। तुमसे ना हो पाएगा। आई गेस मुझे ये फोटो शूट के लिए एक डॉग ही लगेगा। बट थैंकफुली सोसाइटी में वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स त्रिशा, उसके पास एक लैब है, तो मैंने जल्दी से उसको फ़ोन किया और मैंने अपने रूम में एक छोटा सा एक स्टूडियो सेटअप किया। अब आप लोग वो व्लॉग एंजॉय कीजिए जहाँ पे हम लोग ये फोटोशूट पूरा ट्राई करते हैं, एंड वी विल मीट आफ्टर दैट। हेलो, हाय। एंड ये है आज के हमारे फोटोशूट की मॉडल मिस विस्की। सी हाय विस्की। हाय। शी इज गेटिंग सेट ऑफ वायर्स ना। ओके, तो विस्की को वायर से डर लग रहा है। सो शी इज फाइंडिंग अदर वेज टू। शी इज स्कैर्ड ऑफ दिस आल्सो आई थिंक। ये कम डाउन। सो ये है हमारा सेटअप जस्ट राइट हियर। यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडियो बैकअप है, स्टूडियो बैकड्रॉप है आई मीन, एक सॉफ्ट बॉक्स और एक एलईडी, एंड दिस इज त्रिशाज डॉग विस्की। गाइस हमको ये एक फोटो अभी मिला, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी आंखें फोकस में नहीं है, बट दैट्स अ रियली रियली क्यूट एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं। सो लेट्स ट्राई अगेन। से 1 2। तो फार हमको दो फोटोज मिले हैं एंड वी आर गेटिंग देयर। मुझे मतलब थोड़ा सा वाइब आ रहा है, एंड आपको पता है मेरे कुत्तों से बहुत फटती है, बट फोटोज के लिए आई एम स्टिल मैनेजिंग। एक्चुअली दे आर नॉट एज बैड एज आई थॉट दे वुड बी। Sit. I mean down. I mean sit. I mean down. Down. Paw. Aww. And high five. High five. Ah ha! Ah ha ha! Sit. You don't want her to sit like this. Stay. 1 2. Catch. इंपॉर्टेंट, और जितना मैं एफ स्टॉप हाई रखूंगा उतना ज्यादा चीजें फोकस में रहेगी। सेकेंडली आई एम यूजिंग अ हायर शटर स्पीड क्योंकि ऑब्वियसली बहुत फास्ट मोशन में हो रहा है सब कुछ, एंड कैप्चरिंग इट एवरी सिंगल मोमेंट इज क्रूशियल। But yeah, I think we got some really great shots. Good job, Whiskey. Oh yeah, 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 yeah. A treat must be over. There is no treat over here. जस्ट गॉट डन टेकिंग पिक्चर्स, अभी फोटोज और लेने थे मुझे, बट आई थिंक वो डॉग को और ट्रीट्स देना विल नॉट बी द राइट थिंग, सो मे बी नॉट राइट नाउ। अगर फोटोज अच्छे नहीं आते हैं वी विल कॉल हर बैक, मतलब द डॉग द विस्की। आई शुडंट कॉल अ डॉग ना, विस्की। वी विल कॉल विस्की बैक जब उसका मील टाइम रहेगा वापस, और वापस थोड़े फोटोज क्लिक करेंगे। बट लेट्स सी कि सो फार कैसे आया एडिट्स। मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छे फोटोज़ नहीं आए रहेंगे, बट जैसे ही मैंने उनको कंप्यूटर पर इंपोर्ट किया और एक बड़ी स्क्रीन पे लाइट रूम पर देखा और उन्हें एडिट किया, वी गॉट सम फैबुलस रिजल्ट्स। तो यही है कुछ फोटोज़ जो हमने आज क्लिक किए। एंड
दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी ट्रिक, लाइक मुझे बहुत ज्यादा मजा आया. क्रेजी एक्सप्रेशन जो मिलता है एक सेकंड पहले बिफोर दे ईट द ट्रीट, यूजुअली हम ये आंखों से भी देख नहीं पाते हैं, सो जस्ट कैप्चरिंग दैट वाज एक्सट्रीमली फन फॉर मी. अगर आपको ये खुद फोटोग्राफी ट्राई करनी है, आपको स्टूडियो वीडियो सेटअप की जरूरत नहीं है, आप इसको आउटडोर भी आराम से कर सकते हैं. जस्ट रिमेंबर एक हाई शटर स्पीड एंड अपने एफ स्टॉप के साथ थोड़ा प्ले अराउंड कीजिए, मुझे भी थोड़ा करना पड़ा टू गेट द परफेक्ट रिजल्ट्स. बट इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो खत्म होता है. अगर आपको ये फोटोज अच्छी लगी है, मेक श्योर आप ये वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे. इफ यू हैव अ डॉग आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब. या हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.